स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत हमारा सपना है। स्वच्छ भारत के निर्माण में हर एक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज हमारी पाठशाला में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हमारे छात्रगण। स्वच्छता पर सब में जागृति लाना हमारा मूल उद्देश्य है। भारत माँ अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में बंधित थी। भारत माँ की इस पीड़ा को महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों ने अपने कठिन परिश्रम से दूर किया। नमस्ते भारत माँ, मुझसे आप क्या चाहते हो माँ? बेटा मुझे इस बंधन से छुड़ाओ बेटा, मुक्त करो बेटा। जरूर माँ जरूर। हे मेरे भारतवासियों, जागो जगाओ, देश के खातिर एक हो जाओ। हम सब मिलकर भारत माँ को गुलामी के जंजीरों से मुक्त करें। आजादी दिए हमारे प्यारे बापूजी को हम बचा नहीं सके। महात्मा जी अब स्मारक बने हैं, लेकिन उनकी विचारधारा केवल भाषण के लिए सीमित रह गई है। हमारे देश के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, उतनी जरूरी है स्वच्छता। हमारे देश की नदियाँ, तालाब, घर बाहर सब कुछ स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। आओ हम सब मिलकर गंदगी दूर करें, देश को स्वच्छ बनाएं। सफाई ही सफलता का मंत्र है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। को हम सब मिलकर साकार करें। महात्मा गांधी जी की जय। स्वच्छ भारत का निर्माण करें। महात्मा गांधी जी की जय। बापू जी की जय। बापू जी की जय। भी मुश्किल बन गया है, मुझे इस गंदगी से मुक्त करो बेटा, मुक्त करो। अब भारत में नया पर्व शुरू हुआ है, सब में जागृति आ रही है। 5 वर्ष में स्वच्छ भारत ही बापू का उपहार हमारा। 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का स्वप्न
गांधी जी का अब साकार कर लाज है, स्वच्छ सुंदर देश घर संसार करना है, स्वच्छ भारत का सफाई करने से जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो जाती, भविष्य में गंदगी ना फैलाने की ओर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।